वेद तो का नहीं पता कितना शास्त्र नहीं पता चौदह वेद है तो फिर हमारी अच्छा ठीक है ठीक है अरे वाह चौदह वेद है शास्त्र कितने हैं शास्त्र कितने पुराण कितने हैं मानस के एक चौपाई सुना रामचरित मानस राम क्या नहीं रामचरित मानस के एक चौपाई सुना पढ़े नहीं पढ़े बतिया नहीं है अनपढ़ ये गाता तो सही है रामचरित मानस की एक चौपाई पता नहीं कितने ऐसे अनपढ़ हमारे गांव में जो रामचरित मानस सुना एक चौपाई खाली सुना दो बस एक चौपाई रामचरित मानस को सुना हाँ तो सबसे पहले अभी आपको देखा गया कि आप इधर क्षेत्र में आए कार्य क्या है जरा आप अपना पहले ये बता दीजिए हाँ थोड़ा तेज बोला जी काफी भजन आप करते हैं यानी आप भजनानंदी अच्छा आप क्या भिक्षा भी मांगते हैं कोई दिया तो दिया दिया आपने ये जो पहन रखा है कौन सा जानते हो कौन सा कलर है भगवा कलर भगवा कलर आप भगवा पहन कर निकले हो और अपने आपका संत के वेशमा या अगर देखा जाए साधु के वेशमा यहाँ आप निकले हो ठीक है संत और साधु के वेशमा आप आए हो सबसे बड़ी बात आप तो इधर देखो आप तो बात बहुत दूर तक जावे हैं और हम चाहते कि बहुत दूर तक वास्तव में यहाँ ही जाए ठीक है मालिक सबसे पहली चीज जो मैंने आपको देखा आप इधर आए बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब मैं भगवा पहने किसी को देखता हूँ विशेष करके जब संत के रूप में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मालिक सर लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप जो है भगवा पहने हो ठीक है भगवा वस्त्र आपने धारण कर रखा है अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप तिलक नहीं लगाओ लगाना चाहिए आपको कि नहीं कहाँ लगाए थे देखो नहीं मुंह हाथ तो नहीं धोए आप हम बताए थे कहाँ कहाँ विचरण की हो गाँव में हमें का बता दे ठीक है तिलक कहाँ नहीं लगाओ बताओ तो वो जब सुबेरे पार जनी सरकार चंदन लगाई थे अच्छा कलावा अच्छा ये वाला बांधे साहेब के बांधे बहुत अच्छी चीज है आप अगर जुड़े हो कुल मिला समाज से जुड़े हो और अपने धर्म से भी आप जुड़े हो ठीक है समाज और धर्म दोनों जगह से आप जुड़े सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ लेकिन आपसे हम पूछा चाहिए थे अगर आप हर जगह जात हो तो आपको अगर कोई दे रहा है तो उसको क्या मिल रहा है फल मिल रहा है नहीं फल तब मिलेगा आप ब्रह्म गायत्री जपत हो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं गुरु जी का जाप करते हैं आपको से साहब के गुरु जो हमको बताए अच्छी बात है हनुमान चालीसा आपका आवत हुई विधिवत नहीं है ये कि राम राम की खेती जो मार के हनुमान जी की हनुमान चालीसा आपको पता है हनुमान चालीसा पता है आपको तो जो हम सरकार ने पढ़े ना तो झूठ आपसे क्या बताए जी मालिक की हनुमान चालीसा पढ़ के सुना गायत्री मंत्र पता है गायत्री मंत्र पता है हम सरकार एक बच्चन नहीं कही चाहे मालिक जो ना पूछी खाली उतने भर के आप जवाब दीजिए गायत्री मंत्र जुड़े नहीं जो हमने सरकार बताए मालिक बते रूसी आप अपने गुरु जी का जो मंत्र है आप उसको हमको सुनाइए संस्कृत में जो आपके गुरु का मंत्र है वो चाहे जेका तो गुरु मानत हो गुरु के मंत्र आप हमका सुनो हाँ जो है सुनाइए सरकार आप तो जिहालत करके आप पूछ रहे हैं जिहालत नहीं बाबा सुनो अरे जिहालत ना है आप भगवा पहने हो अच्छा रुकिए आप भगवान राम के बारे में तो जानते ही होंगे राम किस राम कौन है तो मालिक कोई नहीं सर रामो सुना जा रामो विग्रहवान धर्म राम धर्म के साक्षात विग्रह ठीक है राम धर्म के साक्षात स्वरूप है तो राम जी का तो एक श्लोक आपका पता हुई हनुमान चालीसा के बारे में आपको पता होगा वेद कितने वेद के लिए ओफो वेद सरकार जो हम पढ़े नहीं बिल्कुल नहीं तो आपका बताएंगे सरकार तो आपसे चाहे जो कुछ समझा समझो नहीं तो जैसे आप अपने लिए ऐसा का किन जाता है जैसे नहीं जैसे मैं है तो मैं क्या करता हूँ ब्रह्म गायत्री का जप कर लेता हूँ हनुमान चालीसा मुझे आता है आप सरकार यदि आप नहीं नहीं जब आपके पास नहीं नहीं जब आपके पास नहीं 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 सुना पहले हमारे पास जब आपके पास कोनो तेज ना हुई जब आपके पास कोनो तपोबल ना हुई आप अपने गुरु जी के मंत्र हमका सुनाओ गुरु जी की अगर वंदना की जाए तो गुरु जी की वंदना कैसे की जाए तो गुरु जी के जो बताए जब सरकार 14 गद्दी 8 पावा साहब गढ़वा साहब के जो साहब हमारे बताए कि राम की सीताराम से राम से बढ़के कोई नहीं तो बस राम का माला के ऊपर सीताराम 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 अच्छा बस ये राम की माला के ऊपर करती है सरकार अच्छा कोई बिटिया बनी भजन भाव गाये कोई दीस तो ठीक भला नहीं दी बाप तो भला अच्छा धर्म के बारे में यहाँ कोनो नॉलेज नहीं राम की खेती जब तक गुरु की उस हिसाब से गुरु के लिए तो राम के बारे में कुछ जानना आवश्यक है ना रामों के बारे में तो जानना आवश्यक है राम तो सबका ही मालिक और राम सबसे बड़े मालिक ना हाँ? राम सबसे बड़े वेद तो का ना ही पता कितना शास्त्र ना ही पता चौदह वेद है तो फिर मालिक अच्छा ठीक है ठीक है अरे वाह जगत गुरु है अरे वाह चौदह वेद है शास्त्र कितने हैं शास्त्र कितने शास्त्र कत्ता सरकार हम जो पढ़े ना जो पुराण कितने हैं जो मानस के एक चौपाई सुना दो रामचरित मानस राम क्या आप बताइए नहीं रामचरित मानस के एक चौपाई सुना दो पढ़े नहीं
पढ़े बतिए नहीं है, अनपढ़ ये गाता है, तो सही है। रामचरित मानस की एक चौपाई पता नहीं कितने ऐसे अनपढ़ है हमारे गांव में जो रामचरित मानस सुना तो सुनावा से सरकार एक चौपाई खाली सुना दो बस, एक चौपाई रामचरित मानस को सुना। तो हम आपसे सरकार सच करो या चाहे जो कुछ करो सरकार, जो हम पढ़े जैसे चाहे आपके आपके सामने खड़े आप बताओ। तो 14 वेद है, पुराण कितने हैं? पुराण बताओ कुछ भाई। हाँ अरे अब आप बताओ तो मालिक गुरु जी जाने नहीं, आप तू कोटवा के नाम लियो कोटवा साहब, चलो अपने आप में एक अलग स्थिति है उनका। नहीं वो हाँ मोनू साहब है, अब वो चाहे देखा मोनू साहब है या कोटवा साहब, मोनू साहब के एक अलग स्थिति है, कोटवा के एक अलग स्थिति है, और जो जिका बताए उनके एक अलग स्थिति है। आप जो कुछ कर रहे हैं इस भगवा को धारण किए हुए, आप जिसके भी दरवाजे पर जा रहे हैं, आशीर्वाद देने का भी अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ है। तोरे पास ना तो तपोबल है, अपन वास्तविकता आपको बता रहा, ना तो ज्ञान की पराकाष्ठा है आपके पास में, जो वास्तविकता है उतने बताऊंगा, इधर उधर का नहीं बताऊंगा। और जेका रामचरितमानस के एक चौपाई ना याद है, जेका हनुमान चालीसा के पहली लाइन ना याद है, तू यतनों नहीं कह सकत हो कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। उनका सरकार अब आपका यदि सुने तो कहा तो ये नहीं बेवकूफ है, गाड़ी बार रखा है बाबा भगवान, वही वाली बात है ना। तो सरकार वो चीज आपसे दूसर बात, आप तिलक नहीं लगाया, तिलक सुबेरे पारू सरकार, अब मुठी से मुहा तो दिन भर नहीं लगे सरकार, अब जो गलती है जो कुछ है सरकार, चलो आप क्षमा करें, हम बल लगाएंगे। इस बात को आप स्वीकार करिएगा, तो का थोड़ी भर जानकारी दी थी, तो ठीक है वो अपने जगह पे, उधर देखो तो थोड़ी का जानकारी दी थे, का ध्यान रखो। वेद के संख्या सनातन धर्म में वेदों की संख्या 4, जो प्रथम वेद आया था जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद के बाद जो है सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद आए, और देखा जाए पुराणों की संख्या 18 है, शास्त्रों की संख्या 6 है। रामचरितमानस की अगर पहली चौपाई देखी जाए, कुछ ना करो तो वर्णा नामार्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको याद कर लो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी इसको याद कर लीजिए, हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा तो है सरकार, आप गुरु गुरु की बात कर रहे हैं, आपका सरकार में कही थी ना 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 ना, सुनो हमारा लकीर का फकीर बनने पे सनातन धर्म का ह्रास होगा बाबा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जो कर रहे हैं इससे सनातन धर्म का ह्रास होगा, आप जिस गुरु की बात कर रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी, ये रामचरितमानस में है, और गुरु को अगर याद करोगे तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार की शुरुआत से ही हनुमान चालीसा। बंदो गुरुपद पदु परागा, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। वेद की संख्या 4 है, शास्त्र की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषद है, कठोपनिषद है, श्रीमद भगवद गीता है, रामचरितमानस है, और प्रत्येक साधुओं को प्रत्येक संतों को किसी धर्म पंथ संप्रदाय मत मजहब को ना देख करके गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, ठीक है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो की भावना आपके पास होनी चाहिए, इका सब याद रख। चलो ठीक है मालिक, आप गुरु हैं, हम आपसे कहा ठीक है, जो कुछ बताते हैं, अगर भगवा पहन करके निकलो तो तिलक पहले होनी चाहिए मस्तिष्क सुबह करते हैं सरकार, समझ गए, दिखाते ना का सरकार कहाँ मिट गया, तो अभी मुहा धोए सब कहाँ मिट गया बताइए, तो लेट के रहन, अच्छा भैया को थे रहने नहीं, अच्छा बाकी आज के बाद सुनो, जब ना जाने तो एक वही के यहाँ ना बता दे हो कि भैया 14 है, ठीक है, जो गुरु की देखो थोड़े साहब के यहाँ आए, अब वो बताए देखिए इन्हीं के जैसे कुछ ऐसे लोग करते मालिक कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म का पूर्ण तरीके से ह्रास हो रहा। बात कह लो मोनू कहे और बात कह लो कोटवा साहब कहे, तो या तो एका तो का मोनू समझा भेजे, अच्छा चलो मालिक, और अगर इतना भी नहीं समझाए हैं तो केका आशीर्वाद दे दे, तेरे पास कौन जैसा तपोबल, हमको बताइए कि आपके पास कैसा तपोबल है, कौन तेरे पास त्याग है, कोई साधना है, कोई तपस्या है, कोई सनातन धर्म का ज्ञान, और जब सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, तो आप किसको आशीर्वाद दे देंगे। हमारे पास 100 रुपया के नोट नहीं, हम क्यों का 1000 देख ठेका ले ली है, हो पाए ठीक है, बाकी आप जिस भी कौनो तू पंथ से जुड़ा हो उसे हमका नहीं ले ला दी, यह का हमेशा जाए बता दू, चाहे तो हर मोनू साहब मिली है, ठीक है मालिक, आप नहीं मोनू साहब है यहाँ पास में है, तो बहुत ज्यादा दूर ना है, हमारे गुरु महाराज ठीक है, तो गुरु महाराज तो हर इतने बड़े हैं, क्यों तू का एक मंत्र नहीं रटाए पाए आज तक, एक मंत्र नहीं सिखाए पाए, तो का अपन गुरु मंत्र नहीं आवत है, तू बाबा बने घूमत हो भाई, यहू तो बताओ ना, इधर से हो इधर, अरे सरकार जहाँ खड़े हुए खड़े हुए मालिक, एक गुरु मंत्र अगर नहीं आता है और आप बाबा बनकर के घूमते हैं, तो ये से तो तेरे मोनू साहब के ह्रास होते, ये से तो तेरे कोटो बाबा के ह्रास होते, समझ गयो,
धर्म क्या है आपको पता? क्षमा की धर्म की परिभाषा पता है? सनातन धर्म की स्थापना किसने की? सनातन धर्म की जो स्थापना है किसके द्वारा की? आप जब गुरु आप बताए बता रहे सरकार जो हमारे गुरु जी जो नहीं सनातन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई बताइए। हाँ नहीं पता। धर्म की परिभाषा क्या? राम की। धर्म की परिभाषा राम तो है, रामो विग्रहवान धर्म, लेकिन धर्म को वास्तव में क्या कहा जाएगा? श्रीमद भगवत गीता के को कुछ पढ़े वास्तव? तो कुछ पढ़े नहीं तो, मतलब। तो कैसे तू की का कौन आशीर्वाद दे दे तो हम नहीं जान पाई। तो राम के चलो हम मान ले तो का प्रणाम करी, हम तो का अगर प्रणाम करी तो तू का कहो आशीर्वाद का? भगवान अच्छा रखे, भगवान खुश, भगवान तो अच्छा रखे तब तू का प्रणाम करी। अरे भगवान अच्छा रखे, खुश रहो भैया, भगवान जी तो भजन है दरबार में। कुल मिला चाहे जो उन्होंने बस देखो साधु संत के वेश में अगर निकले थे तो ज्ञान अर्जन कर लियो पहले। अच्छा चलो ठीक वाली ज्ञान हुए चाहे रामचरित मानस हनुमान चालीसा याद रहे चाहे श्रीमद भगवत गीता का 21 श्लोक याद कर लियो, ज्यादा ना कर लियो, मस्तिष्क पर तिलक लगा लियो, हाथे में कलावा बांध लियो, इका याद अगले बार जो हमें कब्बो मिले का ध्यान रख। ठीक है सरकार, चलो ठीक है। हाँ इका हमेशा के लिए ध्यान रखो, ठीक है ठीक। बाकी हाँ वो है हमारा आशीर्वाद है, लेकिन इका तब तक है जब तक हाँ तिलक है, कलावा है, चंदन है, ठीक है सुनो पहले जाओ ना। हाँ एक हमेशा के लिए ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तोहरे जैसे लोगन के वजह से अगर धर्म का ह्रास हुई महाराज, तोहरे जैसे लोगन के वजह से लोग उपहास करते हैं यार सनातन धर्म का, लोग मजाक उड़ावत, लोग ये कहते हैं कि बाबा लोग आते हैं लूट करके चले जाते हैं। तू तो नाम ले लियो मोनू का, तू नाम ले लियो कोटवा साहब का, कोटवा साहब के अंदर कोनो शक्ति रही सामर्थ्य रहा तब आज उनके पंथ चल। तू का रामचरित मानस ना याद है, तो का हनुमान चालीसा ना याद है, तो का धर्म के मतलब नहीं पता है, तो का राम के मतलब नहीं पता है, तो का कृष्ण के मतलब नहीं पता है, तो का सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है, तू तिलक नहीं लगाया हो, तू कलावा नहीं बांधा, तू कौन आशीर्वाद दे दे हजार के होकर? ठीक है सरकार, आगे से भविष्य में यहाँ ईका याद रख। बताया सरकार, बस सरकार ठीक है ठीक है। ये के लिए तो अब पहली बार क्षमा है, लेकिन अब जब कब्बो दिखाओ तो मस्तिष्क पर तोरे तिलक हमका दिखाए चाहिए। बाकी जाओ तेरे ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है हनुमान जी का एका जाने रहो, लेकिन धर्म के ह्रास ना हुए। हनुमान चालीसा अगली बार तो उसे सुनब। एका जाए लो अपने मोनू साहब से, नहीं मोनू साहब से एका जाए मोनू से पूछ लीजा, एका जाके मोनू से पूछ लियो, मोनू बताइए तो हनुमान चालीसा के बारे में, ठीक है।